पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट मीन्स चित्रण, लेडी एक महिला का, तो अनुवाद इसका यदि हम देखें तो है एक महिला का चित्रण। एज यू कैन मेक आउट फ्रॉम द टाइटल, दिस इज कॉल्ड टाइटल, शीर्षक। एज यू कैन मेक आउट फ्रॉम द टाइटल, द स्टोरी दैट वी आर स्टडिंग, वी आर गोइंग टू स्टडी इज अबाउट ए लेडी, एन ओल्ड लेडी। And the story about this old lady is being told by lady's grandson, right? ये जो कहानी है इस महिला के बारे में, कहानी कौन बता रहा है? Grandson. In other word, the grandson tells the story about His grandmother, ये लेडी जो हैं वो ग्रैंड मदर हैं स्टोरी टेलर की, कहानी बताने वाले की ग्रैंड मदर हैं वो। तो इसमें दो ही पात्र हैं, देर आर टू कैरेक्टर्स, वन इज द ग्रैंड मदर, अदर इज द ग्रैंड सन। ग्रैंड सन इज द स्टोरी टेलर एंड हु टेल्स अस अबाउट हिज ग्रैंड मदर, राइट? That's one part of it. Second, the very interesting thing about this story is it does not have a dialogue. इस पूरी कहानी में कहीं डायलॉग नहीं है, और जब डायलॉग बोलते हैं तो क्या रहता है? You have inverted comma, quotations रहते हैं, वाक्य जैसा बोला गया वैसा लिख के दोनों तरफ inverted comma लगा देते हैं। It does not have a dialogue. And still the story moves on. फिर भी कहानी चलती रहती है। थर्ड, वी डू नॉट नो द नेम ऑफ द नैरेटर, द स्टोरी टेलर एज वेल एज द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर और स्टोरी टेलर यानी ग्रैंड सन, दोनों के नाम नहीं है। विद दिस द स्टोरी मूव्स ऑन एंड इन शॉर्ट द स्टोरी इज अबाउट relationship between grandmother and grandson right from childhood to the time when he has grown. दूसरे शब्दों में ये जो कहानी है इन तीन विशेषताओं के साथ, जिसमें दो ही पात्र हैं, दूसरा कोई डायलॉग नहीं है, तीसरा संबंधों को दिखाया गया है। और ये जो कहानी है इसमें grandson जब छोटा था तब से लेकर वह जब विश्वविद्यालय से पढ़ के आता है और उसके बाद बाहर से नौकरी करके भी जब आता है 5 साल बाद, इतना बड़ा जो काल है, जो समझ लीजिए लगभग 20 साल का काल होगा, 20-25 साल के घटनाक्रम को एक छोटी सी कहानी के रूप में पिरो दिया है। एंड द ग्रैंड सन कीप्स डिस्क्राइबिंग अबाउट मदर्स बिहेवियर ऑल थ्रू। पूरी कहानी में ग्रैंड मदर के व्यवहार पर ग्रैंड सन बताते रहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी ग्रैंड मदर कैसी थी, हमारे संबंध कैसे थे, हम एक दूसरे से कैसे जुड़े थे। फिर जब मैं स्कूल जाने लगा, मैं तो बड़ा हुआ लेकिन माँ वैसे ही की वैसी थी, मेरी दादी माँ, मेरे संबंध कैसे हुए। फिर उसके बाद मैं और बड़ा हुआ और शहर में आए हम दोनों, तो हमारे संबंध शहर में आने पर कैसे रहे, कैसे बदले, और मेरा जीवन कैसे बदला और दादी माँ का जीवन कैसा रहा। फिर उसके बाद अगला स्टेज, जब मैं विश्वविद्यालय पढ़ने गया और इसलिए मुझे दादी माँ को छोड़कर एक कमरे में जाके पढ़ना पड़ा, तब दादी माँ कैसी रहीं। और अंत में जब मैं विदेश गया और विदेश से वापस आया, तब दादी माँ कहती थी। और इस पूरी कहानी में, इन दिस होल स्टोरी, द ग्रैंड मदर इज सेम एज शी वॉज 20 ईयर्स बैक, दैट व्हाट द सन सेज, ग्रैंड सन सेज। जो दादी माँ थी वो वैसी की जस की तस रही,
चाहे शरीर से, चाहे मन से, चाहे व्यवहार से, चाहे भावनाओं से, वेदर इन बॉडी शी वॉज सेम, वेरी ओल्ड लुकिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. फ्रॉम माइंड शी वॉज सेम रिलीजियस वूमन, ए वेरी डिसिप्लिन वूमन, ए वेरी कंजर्वेटिव वूमन, एक बहुत परंपरावादी महिला थी जिनके अपने विचार थे और इन विचारों के बल पर चलती थी, एंड सो ऑन सो फोर्थ. और ये कहानी में ग्रैंडसन और दादी माँ के संबंधों को बताया गया है और बहुत सुंदरता से ये कोशिश की गई है बताने की कि दोनों के निकटता में कोई बदलाव नहीं आया, यद्यपि समय बदल गया, ग्रैंडसन बड़ा होते चला गया, लेकिन दोनों के बीच के जो रिश्ते थे, अंदरूनी संबंध थे, वे वैसे थे. दिस स्टोरी ब्यूटिफुली टेल्स यू द वेरी क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन. इन द 20-25 ईयर्स ऑफ दिस स्टोरी द ग्रैंड सन इज ग्रोइंग फ्रॉम ए 5-8 ईयर ओल्ड बॉय टू 10-15 ईयर टू 20 ईयर एंड देन 25 ईयर एंड ही कम्स बैक एज ए 25 ईयर ओल्ड बॉय. बट दादी माँ रिमेन्स सेम फॉर हिम एंड ही ऑल्सो रिमेन्स सेम फॉर दादी माँ. बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट द सन हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट द बॉन्डिंग वॉज वेरी मच देयर. पहले लड़का माँ के साथ गाँव में ही रहता था, माँ के दादी माँ के साथ उनके कमरे में ही रहता था. शहर आने पर भी दोनों एक ही कमरे में रहे, लेकिन स्थितियां बदली तो अब बेटा बस से स्कूल जाने लगा और दादी माँ अलग रह गईं. बेटा और बड़ा हुआ और यूनिवर्सिटी में कमरे में पढ़ने लगा, अब दादी माँ अकेली हो गई. इसका बहुत सुंदर विवरण इसमें है कि अकेली रहने पर दादी माँ कैसी थी, कैसे उनमें बदलाव आया, कैसे उसने अपने जीविका को बदला मेरे न रहने पर. और उसके बाद जब मैं विदेश से वापस आता हूँ, देखता हूँ दादी माँ वैसी ही हैं, दादी माँ उतनी ही मुझे प्यार कर रही हैं. और फिर उसको अनुभूति होती है कि शायद दादी माँ जिंदा केवल इसलिए थी कि वह अपने ग्रैंडसन को एक बार और देख सके. द मोमेंट द ग्रैंडसन कम्स बैक फ्रॉम अब्रॉड, दैट वेरी डे मदर ग्रैंड मदर स्टॉप्स प्रेयर्स, समथिंग विच ही हैड बीन डूइंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टुगेदर नॉन स्टॉप, परफॉर्म सम काइंड ऑफ अदर फंक्शन एंड नेक्स्ट मॉर्निंग शी डाइज, शी ब्रीथ्स हिज लास्ट एंड पासेस ऑफ. दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी, द वेरी टचिंग स्टोरी, वेरी क्लोज रिलेशंस बीइंग शोन, वेरी ब्यूटिफुली सटली दे आर नैरेटेड. This story is written by a very eminent writer, Khushwant Singh, a Sardar, a Sikh by birth, born in Pakistan but brought up in India. Coming from a very famous family, Sardar Khushwant Singh had education of the highest standard. Inke jo pitaji the, bahut nami architect the. और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों को बनाने का श्रेय इनको जाता है. उसकी डिज़ाइन तत्कालीन दिल्ली, ब्रिटिश काल की दिल्ली को कुछ डिज़ाइन करने में इनके पिताजी का भी रोल था, और इसीलिए दिल्ली के एक क्षेत्र को सुजान सिंह पार्क आज भी कहते हैं. उन्हीं का लड़का खुशवंत सिंह, इसकी पढ़ाई मॉडर्न स्कूल दिल्ली में हुई, फिर सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में पढ़े और उसके बाद फिर लंदन चले गए. लंदन में बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस में उनका एजुकेशन हुआ और वहाँ से उन्होंने बार एट लॉ किया इनर टेम्पल से. इनर टेम्पल इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट लीगल इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड इन दोज डेज. वहाँ से उन्होंने बार एट लॉ किया, यानी LLB की डिग्री पाई. और उसके बाद सरदार खुशवंत सिंह फिर नौकरी पेशे में आ गए. 1951 में ऑल इंडिया रेडियो, 1956 में यूनेस्को
1956 में यूनेस्को और आदि आदि। और समय के साथ साथ इनकी दूसरी क्वालिटीज़ भी डेवलप हुई। ही बिकेम ए वेरी गुड जर्नलिस्ट, वेरी गुड राइटर, वेरी गुड पोएट, हैड ए ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। ही वॉज एन IFS, याद रखेंगे कि वो इंडियन फॉरेन सर्विस में उनका चयन हुआ था, वहाँ से उनकी करियर की शुरुआत हुई थी। ही वॉज सच ए ब्रिलियंट पर्सन, एकेडमिकली वेरी साउंड, और जो ऐसे कॉलेजेस में पढ़ा है निश्चित रूप से उसका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत साउंड होगा। बट अल्टीमेटली ही बिकेम फेमस एज ए राइटर, और राइटर के पहले वो जर्नलिस्ट थे, देश की कई नामी पत्रिकाओं में के मुख्य संपादक भी थे। ही वॉज एडिटर ऑफ मैनी ऑफ द फेमस मैगजीन्स ऑफ इंडिया इन हिज टाइम, एंड अल्टीमेटली ही बिकेम वेरी फेमस एज राइटर। 1974 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया भारत सरकार के द्वारा, और 2007 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। मैं दोहरा दूं, 1974 पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण। इनका जो वार्धक्य था, बड़प्पन था, वह बड़ा ही रिच था। इनकी डेथ 99 वर्ष की उम्र में हुई। ही डाइड एट द एज ऑफ 99 ईयर्स। ही कुड नॉट कंप्लीट अनफॉर्चुनेटली हिज 100th ईयर, पर जब तक वो रहे ही ऑलवेज रिमेन्ड इन द न्यूज, हमेशा वो खबरों में रहते थे। बिकॉज काइंड ऑफ आर्टिकल्स ही वुड राइट, काइंड ऑफ स्टोरीज ही वुड राइट, वे वेरी फेमस। 1956 में उनकी जो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी, द ट्रेन टू पाकिस्तान, द ट्रेन टू पाकिस्तान, इस पुस्तक ने उन्हें बहुत प्रसिद्धि दिलाई, जिसमें पार्टीशन, देश के विभाजन, 1947 के विभाजन का बड़ा ही सजीव वर्णन इन्होंने किया था, और यह पुस्तक विश्व प्रसिद्ध हुई विवरण के कारण, अंग्रेजी भाषा के कारण, और बाद में इसमें पिक्चर्स भी बनी, सिनेमा भी बने, बड़ा प्रसिद्ध सिनेमा हुआ, जिसमें मोहन अगाशे, इसने भी काम किया इस फिल्म में। सो इनके इस बैकग्राउंड के साथ साथ ये स्पष्ट है कि ही मस्ट हैव बीन ए वेरी एमिनेंट पर्सनैलिटी, ए डिप्लोमैट, ए पॉलिटिशियन ऑल्सो, मेम्बर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य भी रहे 6 साल, ए पॉलिटिशियन, ए जर्नलिस्ट, ए राइटर, एन एमिनेंट पोएट एंड डिफरेंट फील्ड, एडिटर ऑफ द मैगजीन एंड सो ऑन। इन्होंने बहुत सारी जो पुस्तकें और अपने आर्टिकल्स लिखे हैं, वे बेसिकली अपने विट के कारण और सेंस ऑफ ह्यूमर के कारण बड़े प्रसिद्ध हुए। किसके कारण? विट, विट यानी व्यंग, जिसमें कटाक्ष, विट यानी कटाक्ष। तो विट और ह्यूमर के कारण इनके बहुत सी राइटिंग बहुत प्रसिद्ध हुई। द जोक्स ऑफ खुशवंत सिंह एक दूसरे तरह की पुस्तकें थी, जो खुशवंत सिंह ने कई वॉल्यूम्स उस पर लिखे। खुशवंत सिंह की जो प्रसिद्धि है, लेखक के साथ साथ व्यंगात्मक शैली और सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ही वॉज वेरी फेमस फॉर हिज वेरी सटल सेंस ऑफ ह्यूमर। लेकिन ये जो कहानी है, जो हमारे इस कोर्स का एक विषय है, कोर्स का एक हिस्सा है, यह कहानी इसमें ना हास्य है ना व्यंग है, यह यथार्थ है। दिस स्टोरी इज अबाउट द बिहेवियरल चेंजेस, द बिहेवियर पैटर्न बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन, एंड वेरी टची स्टोरी, वेरी टचिंग, इमोशंस, वैल्यूज, बॉन्डिंग, एंड ए वेरी सीरियस स्टोरी, एंडिंग एब्रप्टली, सडनली, अनलाइक खुशवंत सिंह नेम एंड फेम। लेकिन इस कहानी ने भी खुशवंत सिंह को बहुत प्रसिद्धि दी। तो खुशवंत सिंह की एक कहानी, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी,
is one of the most famous writings by him, and that's all about Khushwant Singh. We are proud to have a writer of his eminence in our syllabi.